इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में पूरे प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है, वही रात्रि 8 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। झारखंड सरकार ने झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ते हालात को देखते हुए कई गंभीर फैसले लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से पाबंदियां लगाई हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया गया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान भी अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। वहीं 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य करने का आदेश शिक्षण संस्थानों को दिया गया है। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे आधार पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दवा दुकानें, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह ही चलते रहेंगे। सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। धार्मिक स्थलों पर पहले का आदेश ही लागू रहेगा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू पर कोई फैसले लेने का इरादा नहीं है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि रात्रि 8 बजे दुकानें सभी 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू की ओर झारखंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन मंत्री ने इससे स्पष्ट रूप से इनकार किया है। बैठक के बाद बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम सबों के लिए ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। कोरोना की बढ़ती क्षमता को घटाने के लिए राज्य सरकार का ये फैसला है और राज्य सरकार के इस फैसले के साथ झारखंड की जनता को खड़ा होना चाहिए, तभी झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा और झारखंड में इसकी आपदा कम से कम आएगी। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन पाबंदियों को लेकर अपील की थी उसको नए साल में झारखंड की जनता ने नहीं माना, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगातार जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है वो अत्यंत गंभीर होती चली गई और गंभीरता की स्थिति भयावहता में बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में झारखंड सरकार की इस अपील के साथ झारखंड की जनता अगर पाबंदियों को सख्ती से लागू करने में सहयोग करती है तो निश्चित ही कोरोना संक्रमण से जीता जा सकता है, जैसा कि पूर्व की दो लहरों में देखा गया है। आप भी सुनिए कि बन्ना गुप्ता क्या कह रहे हैं और ऐसे में ये फैसला किस तरह का फैसला है, ये खुद ही अंदाजा लगाइए। बन्ना जी, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अभी पहले जो निर्णय हुआ उसको बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। पहले जो मीटिंग हुई है उस प्रसंग में मैं बोल लेता हूँ। देन यू वांट योर क्वेश्चन, आई विल बी गिव द प्रॉपर आंसर। मंत्री जी, क्या निर्णय? देखिए, आज ये निर्णय हुआ है क्योंकि कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है वो हम सबों के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई आपदा की। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोक कर, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है, ये क्या रूप ले लेगा या ये COVID-19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक के पीता है। तो अभी वर्तमान में ये निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे और जो शिक्षण संस्थाने हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं,
या शादी विवाह के जो ये सब है, वेंकट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीजें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा सरकारी और निजी जितने संस्थान हैं, ये 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम बंद रहेगा, ठीक है। नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। हाट बाजार और ये जो है वो डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो चालू रहेंगे। अंत्योष्टि वगैरह जो है, ये जो है अंत्योष्टि वगैरह होगी या फिर जो है श्राद्ध क्रम जो है और शादी विवाह, ये अधिकतम 100 लोग इसमें या कैपेसिटी का आधा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है अभी इतने पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। सैलून पार्लर वगैरह स्कूल कॉलेज, सर सर आपने कहा कि 8 बजे, 1 मिनट, 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे, तो जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके अलावा वो सारी चालू हैं अभी, उसके अलावा सब बंद होगा। जो जहाँ 8 बजे केवल 3 चीज चालू रहेंगे, उसमें स्टेडियम, ये आपको रेस्टोरेंट, बार, दवाई दुकान, दवाई से मतलब मेडिकल से संबंधित, वो सब बंद रहेगा, बाद बाकी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल अभी जो पूर्व के आदेश है वही उस पर अभी लागू है फिलहाल। स्कूल कॉलेज सारे जो हैं, वो स्कूल कॉलेज जितने हैं वो अभी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और जो उसमें प्रशासनिक कार्य है उनके, स्कूल के या शिक्षण संस्थान के, उसकी 50% कैपेसिटी पर वो अपने प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। ये बस आदेश आज निकला है, तो आप जब से आपको घोषणा कर दी, इंटर स्टेट जो बसें आती हैं वो अभी फिलहाल अभी हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक सारी चीजों का अवलोकन कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम ये 15 जनवरी तक तो हम इसको अभी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इमीडिएट बैठक भी, यदि करनी पड़ेगी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बनी तो हम उसको इमीडिएट बैठक भी करके फिर से पुनर्विचार करेंगे। सर, जैसे पिछली बार वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, वैसी कोई व्यवस्था की गई? नहीं, अभी उस पर अभी कोई भी, क्योंकि अभी हम लोग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू कर रहे हैं जो जनता पर कोई अत्याधिक जो है परेशानी हो। लेकिन हम चूंकि लगातार स्प्रेड हो रहा है और संख्या बढ़ रही है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम इस पर संतुलन करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। ये 15 जनवरी मतलब अभी 15 जनवरी तक हम लोगों ने ये किया है, लेकिन ये मान के चलिए अगले आदेश तक 8 से 6 रात 8 बजे बंद होगा। 3 चीज सुबह जो नॉर्मल चालू होता है वो रहेगा। और कुछ आप चाहते हैं पूछना? बाइक हो गया टुकड़ा टुकड़ा में, एक बार छोटा सा एक मिनट, एक लाइन थोड़ा बोल दीजिए क्या क्या बंद है। बहुत टुकड़ा टुकड़ा मैंने बहुत सब पूछ दिया, एक लाइन का छोटा सा फोन क्या क्या बंद है। स्कूल, अब बोल लो, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि सब बंद रहेंगे। केवल वो प्रशासनिक काम करने के लिए आधी संख्या पर वो चालू रहेंगे, 50% कैपेसिटी। पार्क, जिम, स्टेडियम, पर्यटक स्थल, जू, ये स्विमिंग पूल, ये सारे जो है बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और रात जो नॉर्मल 8 बजे रात तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे, केवल 3 चीजें, बार, रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर बाद बाकी बंद रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।